मध्य प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य को और सशक्त बनाने के उद्देश्य से आज रीवा में प्रदेश की पांचवी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो रही है। इसका मुख्य उद्देश्य विंध्य क्षेत्र को निवेश और औद्योगिक अवसरों के केंद्र के रूप में स्थापित करना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया गया है। इसके दृष्टिगत प्रदेश में हुई RIC की एक महत्वपूर्ण पड़ाव के रूप में देखा जा रहा है। रीवा स्थित कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में होने वाली कॉन्क्लेव में 4,000 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है, जिसमें 50 से अधिक प्रमुख निवेशकों और 3,000 से अधिक MSME उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन का मुख्य फोकस राज्य के प्रमुख क्षेत्रों ऊर्जा, खनन, कृषि, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, पर्यटन एवं हस्तशिल्प में निवेश को प्रोत्साहित करने पर होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने 20 से अधिक निवेशक 1-to-1 बैठक करेंगे, जिससे सरकार और निवेशकों के बीच सीधा संवाद स्थापित हो सकेगा। ये खासकर मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। मुझे इस बात का संतोष है कि इस वर्ष हमने जो दिसंबर तक का टारगेट लिया है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा रोजगार के लिए अवसर अर्थात नौकरियों का शासकीय विभिन्न विभागों की भर्तियां करने का काम चालू कर रहे हैं। दिवाली के अवसर पर युवाओं को, खासकर जिनको काम की ज़रूरत है, उन सबके लिए बड़ा मौका रहेगा। मध्य प्रदेश सरकार अपने ब्रेन ड्रेन से बचाना चाहती है, जो बौद्धिक क्षमता के हमारे अपनी संपदा है एक तरह से। ऐसे सारे मित्रों से देश के लिए, प्रदेश के लिए काम करने का मौका दिलाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे इस बात का भी संतोष है कि हमारे औद्योगिक निवेश का भी जो अभियान चल रहा है, इसके माध्यम से ही लगभग अभी तक के जो हमारी कॉन्क्लेव हुई है, संभाग स्तर के अलग अलग जो निवेशकों के साथ मीटिंग हुई है, उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर और आज रीवा होने वाली है, अभी तक के 3.25 लाख से ज़्यादा रोजगार के अवसर तो इनमें हुए हैं, जिसमें 2,45,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश के प्रस्ताव हम पे आ चुके हैं। मध्य प्रदेश में बहुत संभावना और बहुत लोगों की रुचि भी बन रही है, और हमारा भी प्रयास है कि जो सब प्रकार से वर्तमान के दौर में जब भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कटिबद्ध है, तो मध्य प्रदेश क्यों पीछे रहेगा। मध्य प्रदेश में वो सब है जिसके लिए कोई भी निवेशक आना चाहेगा, कोई उद्योगपति आना चाहेगा, लेकिन हमने प्राथमिकता तय की है कि हमारे प्रदेश के अंदर के जो उद्योगपति ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनके उद्योग में बड़ा बाद मिलना चाहिए, वो 1 से 2 करे 3 करे, और जो अभी तक एक काम कर रहे थे वो दूसरा काम करे। अब इसके बाद बचता तो प्रदेश के बाहर के लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, उसके बाद भी और संभावना तो देश के बाहर के लोगों को भी आमंत्रित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के हमारे प्रदेश को समृद्ध बनाना है हम सबका संकल्प है, मुझे पूरा भरोसा है, जनता भी यही चाहती है, और यशस्वी प्रधानमंत्री का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार विकास के लिए कटिबद्ध है।